साथियों वेलकम बैक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात। चलिए आज एक बार फिर हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का जो सीरीज मैंने शुरू किया था उसी से आगे की बात करूंगा। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2 जून का करंट अफेयर। 1 जून तक मैं करा चुका था, बीच में कुछ निजी कारणों से नहीं बन पाया। तो ध्यान रखना है कि एक फलसफा है कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो जो हम लोग चाहते हैं करना है, कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो कर्म करेंगे, परेशानियां आती रहती है, तो उसी से जूझ करके आगे बढ़ना है, सामना करना है जो भी समस्याएं आती है उसको। तो अभी बहुत सारे अनइवन चेंजेस आ रहे हैं सबके जीवन में, तो उस बदलाव को देखते हुए हम लोग को अपने आप को एडजस्ट करना है, ढालना है और अपने काम पर आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं 2 जून का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। एक चीज और बता दूं कि अभी दो दो दिन का करंट अफेयर आएगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें 3, 4 और 5, 6 इस तरह से दो दो दिन का करंट अफेयर दूंगा। फिर जब सीरियली कंटिन्यू हो जाएगा तो फिर हम लोग एक एक दिन का पर डे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का 2 जून का। तो 2 जून को जो सबसे बड़ी न्यूज थी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक जगत से, एक एमएसएमई के लिए नया प्रारूप सरकार ने जारी किया। तो एमएसएमई को तो पहले जानना है कि होता क्या है। तो एमएसएमई को माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज कहते हैं। तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, स्मॉल मतलब लघु और मीडियम मतलब मध्यम, इंटरप्राइजेज मतलब उद्यम या उद्योग होता। तो इसी को ध्यान में रखकर के सरकार ने एक नया प्रारूप जारी किया। समझना यह है कि भारी इंडस्ट्री और बाकी ये सब इंडस्ट्री उद्योग में, ये तीनों तरह के जो उद्योग हैं ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। हमारे घरेलू, हमारे दैनिक आवश्यकता या जितने भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट इसी से प्राप्त होता है। इसकी उत्पादकता, इसकी उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है। हैवी इंडस्ट्री ज्यादातर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में काम करता है, लेकिन लोगों के दैनिक जीवन को संचालित करने में इन उद्योगों की भूमिका होती है। और कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण इन उद्योगों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि यही अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकता है। सबसे ज्यादा रोजगार इसमें उपलब्ध है, सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, निर्यात के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका है इनकी। तो इसको ध्यान में रखकर के सरकार ने कुछ चेंजेज किया। पहले कुछ इसका अलग क्राइटेरिया था, अभी कुछ अलग। तो उसके पहले ध्यान देना है कि ये जो चेंजेज आया वो सूक्ष्म के लिए निवेश की सीमा जो लाई गई, अब इसको बदल दिया गया है कि निवेश की सीमा अब सूक्ष्म उद्योग के लिए 1 करोड़ तक होगा। मतलब 1 करोड़ की राशि तक अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसको सूक्ष्म में माना जाए। जबकि अगर लघु की बात करें तो 10 करोड़ का अगर आप पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो वो लघु में आएगा, और मध्यम के लिए 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लिखा यहां निवेश सीमा, तो निवेश सूक्ष्म के लिए 1 करोड़, लघु के लिए 10 करोड़ और मध्यम के लिए 20 करोड़। अब एक नया क्राइटेरिया आया। पहले क्या था कि सूक्ष्म के लिए 25 लाख तक था, लघु के लिए 5 करोड़ तक था और मध्यम के लिए 10 करोड़ था। तो थोड़ा सा बढ़ाया गया है, पिछले निवेश से ब्रॉड किया गया है कि अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है पहले की और अभी की स्थिति में। तो इसके चलते सरकार ने यह ध्यान रखा है। अब यहां कारोबार की बात करें तो कारोबार को ध्यान रखना है कि 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सूक्ष्म उद्योग लगता है, लेकिन इसका सालाना टर्नओवर जो कारोबार है वो 5 करोड़ तक हो सकता है। तो कारोबार की सीमा 5 करोड़ तक होगी सूक्ष्म के लिए, जबकि ये जो लघु है 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है इसका कारोबार 50 करोड़ तक हो सकता है, और जो मध्यम है उसके लिए ये सीमा 100 करोड़ तक कारोबार की बढ़ाई गई है। तो इसके कारण से बहुत सारे उद्यमियों को लाभ होगा। और साथ ही इन सभी उद्योगों के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ का नया पैकेज की भी घोषणा किया इनको हेल्प के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए। ध्यान रखना है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो यहां लिखा हुआ है, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम याद रखना है, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है। तो ये ध्यान रखना है, इन्होंने ही ये घोषणा किया था। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो एमएसएमई है इसके लिए एक सरकार ने नया पोर्टल लाया, और पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है उद्यमियों की सहायता के लिए, उद्यमियों के डेवलपमेंट के लिए, जो भी विकास का काम करना उसके लिए। और पोर्टल के तौर पर यहां लाया गया, उस पोर्टल का नाम याद रखना जिसको चैंपियंस नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखना है चैंपियंस नामक पोर्टल शुरू किया सरकार ने एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ा न्यूज है। इकोनॉमिक क्षेत्र में अक्सर प्रारूप के बारे में पूछा जाता है, तो इसको पूरा ध्यान रखें। आगे और भी जब चैप्टर आएगा और भी करंट अफेयर आएगा तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब यहां से बात करें तो ध्यान रखें
एक घटना अभी चल रहा है, खासकर पिछले सप्ताह अमेरिका में अश्वेत नागरिक, अश्वेत मतलब ब्लैक होता है, जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। तो जॉर्ज फ्लॉयड एक अश्वेत काले व्यक्ति, और काले का मतलब अमेरिका में वैसे लोग जो ज्यादातर अफ्रीका से आए हैं, तो अफ्रीका का काला नस्ल है, ब्लैक नस्ल है, और वहां के जो मूल निवासी हैं वो ज्यादा गोरे। तो इस रूप में ध्यान रखना, अमेरिकी अश्वेत नागरिक जो थे जॉर्ज फ्लॉयड, इनके काला पैसा जो ब्लैक मनी होता है वो $20 के विवाद के चलते एक श्वेत अमेरिकी पुलिस मतलब एक गोरा अमेरिकी पुलिस द्वारा हत्या कर दिया गया। सुने होंगे, वीडियो वायरल हुआ है, इस व्यक्ति के गर्दन पर एक अंग्रेज या गोरे पुलिस अधिकारी ने घुटना रख करके 8 मिनट तक रखने से इसकी दम घुट गई और इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण आज अमेरिका में अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन, कई लोगों की जान जा चुकी है। तो ध्यान रखना है, तो यहां पर जो सबसे बड़ा समस्या है वो नस्ल भेद की समस्या, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व की एक मौलिक समस्या। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, दूसरे को निम्न मानता है, गोरे काले के बीच भेद है, अगड़ी पिछड़ी के बीच भेद है, अमीर गरीब के बीच भेद है, एक धर्म का दूसरे धर्म के बीच भेद है, हर चीजों में विभेद है। जबकि मानव को पूरे नेचर ने, प्रकृति ने सब कुछ से एक ही तरीके से बनाया, वो क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशन, रहन सहन, खान पान के कारण अलग अलग नस्लों का विकास होता है। लेकिन मौलिक रूप से हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि सभी मानव के गुण सूत्र जो होते हैं वो 46 ही होते हैं, नेचर ने इसको अलग नहीं किया, लेकिन मानव ने अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसको अलग कर दिया, और इस रूप में आज एक बड़ा समस्या है नस्ल भेद का। अब यहां चलें तो अमेरिका में जो अश्वेत काले अमेरिकी की हत्या जॉर्ज फ्लॉयड, तो अश्वेत को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अमेरिका में जो अश्वेत लोगों की जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का अमेरिकी का 13% है, और ये ध्यान रखना है कि अमेरिका में कुल जनसंख्या जो है लगभग 34 करोड़ के आसपास है, तो 34 करोड़ में 13% अश्वेत है, बाकी 73% गोरे लोग हैं, और भी नस्ल के विश्व के बहुत सारे लोग वहां रहते हैं। लेकिन ये 13% जो है ये आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक अधिकारों के दृष्टिकोण से सबसे कमजोर वर्ग आते हैं, इसीलिए इनकी यहाँ पर शोषण होती है। और एक को ध्यान रखना है कि अमेरिकी इतिहास में पहला अश्वेत नागरिक जो राष्ट्रपति बना अमेरिका का, उनका नाम याद रखना है, नाम है बराक हुसैन ओबामा। तो पहले, इसके जस्ट पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले यही राष्ट्रपति थे वहां के, और ये एक अश्वेत व्यक्ति थे, और ये एकमात्र अश्वेत काले व्यक्ति जो अमेरिका के इतिहास में अभी तक राष्ट्रपति के प्रधान पद पर, जो अमेरिका का सबसे उच्च पोस्ट है, वहां पर पहुंचने का काम किया। तो ये पूछा जा सकता आने वाले एग्जाम में कि अमेरिकी इतिहास में अंग्रेज व्यक्ति में छोड़ करके काले व्यक्ति के तौर पर पहला राष्ट्रपति कौन बना, तो बराक हुसैन ओबामा थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व था इनका, अच्छा काम किया इन्होंने। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो गोरे हैं, श्वेत की श्रेणी में आते हैं, और इसीलिए विरोध चल रहा। चलिए आगे चलते हैं, एक न्यूज है, ये बीपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हम देख रहे हैं बीपीएससी इसलिए कह रहे हैं कि जो बिहार से जुड़ा हुआ न्यूज होता है वो बीपीएससी में ज्यादा पूछा जाता। तो चलिए देखते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, 5वां चरण में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन को खोल करके हम इकोनॉमी को पटरी पर लाना चाहते हैं, जीवन मर्रा को ठीक से बहाल करना चाह रहे हैं, सरकार चाह रही है। लेकिन लॉकडाउन अवधि में डीबीटी, तो डीबीटी को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब ऐसा पैसे का ट्रांजैक्शन जो लाभान्वितों के खाते में सीधा चला जाए, कोई बीच में बिचौलिया ना हो, कोई मीडिएटर ना हो। तो खाते को आधार से लिंक करके जनधन खाता हो या उनका जो भी खाता हो, सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए गए देश स्तर पर, ये प्रयास चल रहा है लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर हर राज्य ने काम किया, लेकिन बिहार ने जो किया वो पूरे देश में अपने आप में मिसाल बन गया। तो ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत 14 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन किया बिहार ने, और ऐसा करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन किसी को नहीं किया गया, किसी राज्य के द्वारा नहीं किया गया। तो ध्यान रखना है, ये बिहार से इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि बिहार के बारे में लोगों की अवधारणा है कि बिहार में सरकार अच्छा काम नहीं करती है, बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन आप देखें तो लोगों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने में बिहार भारत में प्रथम राज्य के रूप में उभरा है। तो ध्यान रखना है, ये डीबीटी के जरिए 14 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया है, ये डाटा याद रखना। अब चलते हैं
केंद्र सरकार की पॉलिसी आई थी फसलों के लिए, तो 2021 के लिए खरीफ फसल जानते होंगे आप लोग, पढ़ते हैं ज्योग्राफी में हम लोग, कि वैसा फसल जो वर्षा के दिनों में होता, जो अभी मौसम है खरीफ का मौसम आने वाला, जिसमें बहुत सारे फसल है, सोयाबीन, मूंग, धान, ये सब खरीफ में आते, जिसका मुख्य फसल धानी है, तो खरीफ फसल का अभी लगाने का समय है, तो सरकार ने मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करते, जिसके द्वारा किसान अपना प्रोडक्ट या अपने फसलों को बेचते हैं और सरकार उसको खरीदती है। तो सरकार जो खरीदती है उसके लिए खरीफ फसलों के लिए 83% मूल्य में वृद्धि कर दिया, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 83% बढ़ाया गया, ध्यान रखना है खरीफ फसलों के लिए 2021 में, तो ये डाटा ध्यान रखना है, कितना बढ़ाया गया, तो 83%। और धान मुख्य फसल है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये प्राइस याद रखना है कि धान की फसल का कीमत कितना, तो इसका कीमत जो है 1868 रुपया प्रति क्विंटल सरकार ने तय किया, जो पिछले से 53 रुपया ज्यादा है। तो इस प्रकार सरकार चाह रही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, कृषि कार्य अच्छे से हो सके, इतना ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे, एक रेटिंग है भारत के लिए, अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा या बुरा सब कुछ हम लोग को देखना है, अच्छा भी अच्छा लगता है और बुरा पर विचार करने की जरूरत होती है, क्या बुरा उसको कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए, बुराई जो बताए वो सबसे अच्छा मित्र होता है, बड़ाई करे बहुत ज्यादा तो उससे सतर्क रहना चाहिए। तो ध्यान रखें कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एक वैश्विक स्तर पर रेटिंग जारी करते हैं, जिसका नाम है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। तो ये खास करके लोगों को निवेश करने के जगहों के बारे में बताते हैं कि कौन से देश में निवेश कितना सुरक्षित है, आप जो पैसा लगाएंगे, आपका प्रोडक्ट जो लगेगा उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, आपको कितना आउटपुट मिलेगा। और इस रूप में मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत की संप्रभु रेटिंग BAA3 कर दिया, जो बहुत ही खराब रैंकिंग है। खराब रैंकिंग का मतलब इस रैंकिंग के द्वारा दुनिया के लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे भारत में, कारण COVID-19 का प्रभाव है, आर्थिक जो नियोजन की प्रक्रिया चल रही है देश में वो सही तरीके से नहीं हो रही है, भारत जो लोन ले रहा है विश्व स्तर से उसको लौटाने की समय सीमा भी बढ़ती चली जा रही है, और इन सब को ध्यान में रख करके अर्थव्यवस्था कमजोर करने के कारण, GDP के वृद्धि दर घटने के कारण, जो भी चीजें घट रही है इकोनॉमिकली कमजोर होने की वजह से, इसको BAA3 मतलब अब ये सबसे खराब दर्जे में आ गया, मतलब अब यहां निवेश करना सुरक्षित नहीं माना जाता इस रैंकिंग के हिसाब से, जबकि निवेश बढ़ा है। पिछले हमने वीडियो में बताया आपको कि भारत में निवेश काफी इंप्रूव हुआ है और इंप्रूवमेंट करके विदेशी निवेश काफी $78 बिलियन तक पहुंच गया है, लेकिन यह ध्यान रखना रेटिंग जारी करता है कि निवेशकों के लिए अच्छा नहीं है संकेत भारत में। अब चलते हैं, एक चुनाव से न्यूज है कि राज्यसभा का चुनाव होने वाला था, COVID-19 के कारण डेट एक्सटेंड हुआ, और ध्यान रखना है 24 सीटों के लिए चुनाव होना और ये चुनाव 19 जून को होगा, ये ध्यान रखना। तो 19 जून को राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा का चुनाव, तो राज्यसभा के बारे में जानते होंगे कि राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है, उच्च सदन के साथ साथ अस्थायी सदन है, ये ध्यान रखना है, और इसके सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल पर चुनाव होता रहता है, चेंजेज होते हैं और संख्या बदलती रहती है, लेकिन कभी भी ये सदन भंग नहीं होता, तो ध्यान रखना है इसको। अब इसी के तौर पर 24 सीटों के लिए चुनाव होना है 20 जून को, और ये भी पता होना चाहिए कि ये चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है, यहाँ जो मतदान करते हैं वो राज्यसभा के, राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें वोटिंग करते हैं, तो जनता को इसमें वोटिंग का अधिकार नहीं है, जो अधिकार देना है वो विधायकों के द्वारा मतदान किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए, जो सांसद होते हैं राज्यसभा में। लोकसभा के सांसदों के लिए चुनाव का काम जनता करती है, जो आम चुनाव के लिए हम लोग आते हैं। अब चलते हैं, एक न्यूज है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ये ध्यान रखना है, योग भगाए रोग एक स्लोगन चल रहा और पूरे विश्व स्तर पर COVID-19 में योग को बहुत प्रचार किया गया, बहुत ज्यादा इसको प्रमोट किया गया, क्योंकि योग सचमुच भारत का देन है और एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप जीवन भर अपने युवापन को बरकरार रख सकते हैं, स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, अपने स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं, मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। तो योगा भारत ने दिया और आज ये पूरे विश्व स्तर पर लोग इसको अपना रहे हैं।
क्योंकि मेडिकल साइंस में जो आजकल इलाज चल रहा है उससे काफी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे दुष्प्रभाव। लेकिन योगा एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा ना तो कोई दुष्प्रभाव है और साथ ही आप अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके COVID-19 जैसे वायरसों से भी लड़ सकते हैं। और इसी के चलते 21 जून को जो आने वाला है उसके लिए एक प्रतियोगिता लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और उसका नाम रख दिया माई लाइफ माई योगा। तो ये ध्यान रखना है, माई लाइफ माई योगा, मेरा जीवन मेरा योगा के नाम से इसको जारी किया गया। तो यही 2 जून का करंट अफेयर था। आगे हम 3 और 4 का और 4 और 5 का इस तरह से जब तक रेगुलर ना जाते दो दो दिन का हम करंट अफेयर जारी करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले विषय में अगले वीडियो के साथ। वीडियो को देखने वाले पहली बार जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा को शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।